स्टूडेंट नाउ आई एम बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ गुजरात बोर्ड एंड दिस टाइम द टॉपिक इज प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। फिलहाल मैं अभी ओनली कंज्यूमर अवेयरनेस के रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो पढ़ाऊंगा एज पर द टेक्स्ट बुक, बिकॉज कंज्यूमर अवेयरनेस का टॉपिक काफी ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर अवेयरनेस के टॉपिक्स जो है वो करेंगे। देखिए आपके सामने जो है कंज्यूमर अवेयरनेस के नोट्स जो है वो आ गए हैं। तो अब हम समझते हैं सबसे पहला कंज्यूमर अवेयरनेस में कंज्यूमर का मीनिंग। तो कंज्यूमर जो है वो एक कंज्यूम, जो भी फूड को, जो भी प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करता है वो होता है कंज्यूमर। तो ये देखिए कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करता है गुड्स को, जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, और वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो याद रखना है अच्छे से पर्सनल यूज के लिए खरीदता है, तो उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर। नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर के साथ चीटिंग, फ्रॉड और एक्सप्लॉयटेशन हो गया है, तो किस तरीके से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से कंज्यूमर को हमें अवेयर करना है उसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहला देखिए आपको कंज्यूमर अवेयरनेस में मीनिंग दे रखा है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ कंज्यूमर अवेयर। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम कंज्यूमर के अंदर जागरूकता और अवेयरनेस फैलाते हैं रिगार्डिंग देयर राइट्स, ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो इंक्लूड हो जाती है कंज्यूमर अवेयरनेस में। एंड यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे हैं, आज के टाइम पे बहुत सारे सिमिलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग ब्रांड्स में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो नकली प्रोडक्ट जो है उन ब्रांड के नाम पर उसे बेच दे। कंज्यूमर को इतनी नॉलेज नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो इलिटरेट भी होता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, तो इसीलिए हो सकता है कि कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग हम देखते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि मॉनिटर या देखता है गुड्स एंड सर्विसेस को, गुड क्वालिटी देखता है, प्रॉपर वेट है या नहीं है, और रिजनेबल प्राइसेस में वो प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जहां पर ये सारी चीजें जो है वो होती है उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो एक मूवमेंट है जो कि अंडरटेक किया गया था ताकि के हम कंज्यूमर को अवेयर कर सके, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है उसके एम्स हम देखते हैं, जो भी एंटी कंज्यूमर एक्टिविटीज हो रही है, जो कंज्यूमर्स के साथ गलत होता है, चीटिंग होता है, फ्रॉड होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड कंट्रोलिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड डिसेप्शन, जो भी एक्सप्लॉयटेशन डिसऑनेस्टी हो रही है कंज्यूमर के साथ उसको रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो आए। ये जो है सबसे अगर हम इनिशिएटिव की बात करें, पहल की बात करें, तो वो चालू करा था रैल्फ नेडर ने, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे, और बिकॉज उन्होंने ये मूवमेंट चालू किया था फर्स्ट मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, इसीलिए उन्हें माना जाता है पायोनियर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। ये देखिए आपको यहां पर दे रखा है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द पायोनियर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, उनसे ही कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अब हम अलग अलग स्लोगन्स के बारे में देखेंगे, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर पूरी तरीके से हमारी सर्विसेज से, हमारे गुड से सेटिस्फाई हो जाए, वो ही हमारा गोल है या मोटो है या ऑब्जेक्टिव है, और कंज्यूमर जो है वो मार्केट का किंग है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, मींस कंज्यूमर को किस तरीके से उनके साथ चीटिंग या फ्रॉड की जाती है, किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉयट होते हैं। तो सबसे पहला देखिए, जो वेट जो है जो पैकेट में लिखा गया है उससे कम वो देना, तो जो भी प्रिंटेड वेट जो है पैकेट में लिया गया है उससे कम वेट का आना, प्रोवाइडिंग स्लाइटली डिफेक्टिव और फेक कॉमोडिटी, नकली कॉमोडिटी या गुड्स जो है वो बेचना, या फेक कॉमोडिटी या स्लाइटली डिफेक्टिव, उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिफेक्ट है और उसको रिपेयर करके उसे बेच दिया है, प्रोडक्ट को ओवर प्राइसिंग में बेचना, 10 रुपए का प्रोडक्ट है आप उसे 20 में बेच रहे हो, तो इस तरीके से कंज्यूमर की चीटिंग की जाती है। एंड प्रोवाइडिंग अडल्ट्रेटेड फूड, अडल्ट्रेटेड गुड्स का या फूड्स का मतलब हुआ कि जहां पर गुड्स के साथ मिलावट की जाती है अच्छे क्वालिटी के साथ, कहीं ना कहीं दूसरे नकली क्वालिटी या इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स उसके साथ मिला दिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं अडल्ट्रेटेड गुड्स। नेक्स्ट अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एसी खरीद लिया है हमने, और जब खरीदते टाइम तो हमें बोला कि बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे, लेकिन आफ्टर सेल जो है वो सर्विसेज, एसी हमारा खराब हो गया है, वो हमें बार बार कॉल करना पड़ता है और कस्टमर केयर वाले आते ही नहीं है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री कस्टमर सेल सर्विसेज जो है उससे भी एक्सप्लॉयटेशन होता है।
इन बिजनेस अगर हम सर्विसेज की बात करें, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, मोबाइल सर्विसेज, फोन्स, मेडिकल फैसिलिटीज, यहाँ पर कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज टीवी में बहुत ही अट्रैक्टिव एड्स आते हैं अलग अलग, तो इससे वो काफी ज्यादा सर्विसेज जो है नहीं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। मेनी अ टाइम अनअवेयर कस्टमर जो है वो चीट, उनके साथ चीटिंग हो जाती है। एट टाइम सच गुड्स आर सोल्ड विच कॉज फिजिकल, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गुड्स को कंज्यूम करने के बाद हो सकता है कि कंज्यूमर को फिजिकली, जैसे हमने कोई क्रीम लगाई और हमारा फेस जो है वो बिगड़ गया, तो फिजिकली और मेंटल हैरेसमेंट या नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब हमने समझा कि किस तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, अब हम समझते हैं क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाता है, उसके साथ फ्रॉड या चीटिंग हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कंज्यूमर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। कैसे हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हमें पता है, हमें सबने बोला है कि बिल लेना है परचेसिंग के बाद, लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है वो ऐसा करते ही नहीं है। वो सेल तो प्रोडक्ट जो है वो खरीद लेते हैं, लेकिन वो बिल जो है वो लेते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है खुद के साथ चीटिंग होने में, वो इग्नोरेंट है, उसको अवेयरनेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं इलिटरेट है प्रोडक्ट्स, या उसको नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में और उसको प्रोडक्ट को खरीद लेता है। तो कंज्यूमर जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे रीजंस की वजह से, वीकनेस की वजह से प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स और जो एजेंट जो है वो बेनिफिट उठाते हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड इंफॉर्मेशन। लिमिटेड इंफॉर्मेशन का मतलब कंज्यूमर को बस एडवर्टाइजमेंट से पता चला, वो गया शॉप पे और वो प्रोडक्ट जो है वो लेकर आ गया। तो कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो भी बेचने वाला जो है, जो उसे जो है वो कोई से भी प्राइसेस पर बेच सकता है और हमें उसका पता भी नहीं चलेगा। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स जहां पर सिर्फ प्रॉफिट ही देखा जाता है, कंज्यूमर का वेलफेयर नहीं देखा जाता है, तो वहां पर प्रोड्यूसर्स और सेलर्स जो है वो अपने हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और अपने मर्जी से कॉमोडिटी को सेल करते हैं, जो भी इनकी इच्छा हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, जिसकी जैसी मर्जी वो उस प्राइसेस पर बेचेगा, अपने हिसाब से क्वालिटी पर बेचेगा। तो इवन इफ द रूल्स इवन इफ देर आर इवन रूल्स भी बने हैं, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे जहां पर प्रोड्यूसर्स और सेलर जो है वो अपनी मनमानी लगाते और कंज्यूमर को पूरा नॉलेज नहीं होता है अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी क्या है, मेंटेनेंस, वारंटी, गारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जहां पर हम प्रोडक्ट जो है खरीदते हैं वहां पर बायर जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। और विद द लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर जो है वो इजीली टारगेट बन जाता है और मिस्टेक कर लेता है और उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन या फ्रॉड, चीटिंग हो जाती है। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई मीन, सबसे पहले हम सप्लाई का मतलब समझते हैं, सप्लाई मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है इकोनॉमिक्स में, जब डिमांड जो है वो ज्यादा हो सप्लाई से, तब जो है वो आर्टिफिशियल स्कैसिटी भी क्रिएट करते हैं और इससे कंज्यूमर को चीट करते हैं। किस तरीके से, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। पहले तो हम डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज मान लीजिए डिमांड जो है मार्केट में 10 बिस्किट्स की है, ओके, एंड अवेबिलिटी जो है, जो जो बेच रहा है उसे, वो बोल रहा है कि मेरे पास तो ओनली 5 बिस्किट्स के पैकेट्स ही हैं। तो डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है, लोगों को खरीदने के लिए वो बहुत हैं और अवेलेबल हैं 5 बिस्किट्स। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर जो है वो अपने हिसाब से, बिकॉज डिमांड ज्यादा है तो वो इन बिस्किट्स की प्राइस जो है वो ज्यादा कर सकता है। कैसे, उसने आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट करी और कंज्यूमर्स को चीट किया। तो ये देखिए, व्हेन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज लेसर देन डिमांड, मींस डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल स्कैर्सिटीज भी शॉपकीपर जो है वो करते हैं। स्कैर्सिटी जो है वो कैसे की जाती है, होर्डिंग ऑफ गुड्स। होर्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉक में रख देना और कंज्यूमर को नहीं बताना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इसे बोला जाता है होर्डिंग्स ऑफ गुड्स। बाय ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स
और वो उन्हें लगता है कि जब फ्यूचर में जाके इस गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो वो अभी से ही स्टॉक जमा कर देते हैं और आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट करते हैं, और जब दाम बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट के तो उसे बेचना चालू करते हैं। तो इस तरीके से वो बेटिंग या नेचुरल क्लैमिटीज आने वाली है आगे जाके, तो वो अभी से ही होल्ड कर देते हैं, वो वेयर हाउसेस में अपने गोडाउन में रख देते हैं। जब नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है तो वो, जब नेचुरल क्लाइमेटी के बाद गुड्स की बहुत डिमांड होती है, तो वो अपने मनमानी प्राइसेस जो है वो लेते हैं। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल स्कैसिटी के थ्रू भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ट्रेडर्स जो है वो अनड्यू एडवांटेजेस लेते हैं, ओवरचार्ज करते हैं प्रोडक्ट का, जितने प्रोडक्ट के दाम नहीं है उससे ओवरचार्ज करते हैं, और इसकी वजह से सिचुएशन में काफी ज्यादा हैवोक या टेंशन जो है वो बढ़ जाती है, एंड दस लिमिटेड सप्लाई जो है, लिमिटेड सप्लाई की वजह से कंज्यूमर्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो जाता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कंपटीशन। लिमिटेड कंपटीशन में हम एक वर्ड समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का सिंगल ओनर ही है और कोई उसे बेच नहीं रहा है, तो कंज्यूमर के पास कोई भी चॉइसेस नहीं है, उसे जबरदस्ती उसी से ही खरीदना पड़ेगा। अब बायर जो सेलर जो है उसे पता है कि कंज्यूमर जो है वो मेरे पास ही आने वाले हैं खरीदने के लिए गुड्स, तो वो अपने हिसाब से मनमाने चार्जेस जो है वो लगाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जब कोई कंपटीशन नहीं है या लिमिटेड कंपटीशन है या मोनोपोली है जहां पर, तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और सेलर जो है अपने मनमाने चार्जेस जो है, प्राइस जो है वो लगाता है, बिकॉज उसे पता है कि कंज्यूमर उसी से ही खरीदने वाला है। तो इस तरीके से लिमिटेड कॉम्पिटिशन या मोनोपोली की वजह से भी कंज्यूमर जो है वो चीट होता है। अब हम देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्सन जिसने कंसर्न दिखाया टू टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में चिंता जाहिर करी कौन से पर्सन ने, जो कि है कौटिल्या, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, वो फर्स्ट पर्सन जो थे इंडिया लेवल पे, उन्होंने मेंशन किया कि अभी बहुत ज़्यादा कंज्यूमर की नीड है कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ ट्रेडर। क्यों हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन? बिकॉज ट्रेडर्स जो हैं, जो सेलर जो है वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, और ये सब जो है वो उन्होंने बताया उनकी बुक अर्थशास्त्र में, जो कि द बुक ऑफ मैनेजमेंट है। उनके व्यूज क्या थे उस बुक में? कौटिल्या ने मेंशन किया कि ऐसे रॉन्ग डूअर्स में जो कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए अलग अलग। अगर उन्होंने अंडर मेजरमेंट किया है गुड्स का, गुड्स के साथ मिक्सिंग करी है, अडल्ट्रेशन किया है, मिलावट करी है और डुप्लीकेशन या फेक प्रोडक्ट भेजे हैं, तो ऐसे कंज्यूमर को जिन्होंने गलत काम किया है, रॉन्ग डूअर्स हैं, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो ये अच्छे से हमें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट वन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कंज्यूमर अवेयरनेस। यहाँ पर हमने कंज्यूमर से रिलेटेड डेफिनेशन समझी, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर अवेयरनेस है, क्या क्या रीजंस है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। तो ये टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो गए।